स्कूल पिकनिक कंट्री चिकन कुकिंग। सोनापुर नाम के गांव में एक ही स्कूल था। उस स्कूल के टीचर गोपाल के बहुत कोशिश करने पर भी धनवान के बच्चे और गरीब के बच्चे मिलजुल कर पढ़ते नहीं थे। वो क्लास में भी दूर दूर ही बैठते थे। धनवान के बच्चे गरीब बच्चों का जब भी मौका मिलता मजाक उड़ाते रहते। एक दिन क्लास में गोपाल, देखो बच्चों, अगले इतवार को हम स्कूल की ओर से पिकनिक जा रहे हैं, जो बच्चे जाना चाहें वो अपना नाम दर्ज कराएं। धनवान बच्चों की ओर से रोहित, सर हम सब आएंगे। गरीब बच्चों की ओर से काजल, सर हम सब भी आएंगे। शाबाश बच्चों, कम से कम पिकनिक वाले दिन सब मिलजुल कर खेलो। इतवार के दिन सब बच्चे मिलकर पिकनिक गए। सब धनवान बच्चे मिलकर पिज्जा, बर्गर, केक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए और उन सब चीजों को एक जगह जमा करके रखा। गरीब बच्चे अपने अपने घरों से रोटी, चावल और प्याज लेकर आए। जैसे स्कूल में करते थे उसी तरह गरीब बच्चे एक गेंद के साथ अलग खेल रहे थे। धनवान बच्चे अपने अपने घरों से लाए महंगे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। गरीब बच्चों का गेंद पिज्जा और बर्गर के पास आकर गिरा। लोकू नाम का लड़का उस गेंद को उठाने आया और खाने को देखकर वहीं खड़ा रह गया। काफी देर तक जब लोकू गेंद लेकर नहीं आया तो काजल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। लोकू, गेंद लाने में इतनी देर लगा दी, वहां सब इंतजार कर रहे हैं, अरे जल्दी आओ। काजल, ये लिफाफे में से इतनी अच्छी महक आ रही है, देखो इन लिफाफे में क्या है, ये बहुत खाना लेके आए हैं, क्या ये हमें कुछ खिलाएंगे? वो और हमारे साथ खाएंगे, जरा देखो वो कैसे आपस में खेल रहे हैं। वैसे तुमने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, मेरे साथ आओ, उनके लाए हुए भोजन से भी बढ़िया खाना बनाकर खाएंगे। काजल गरीब बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहाँ पहुँची, उन सबको कुछ कहा, सब बच्चे अलग अलग जगह चले गए। अरे देखो तो सही, इनसे तो ठीक से खेला भी नहीं जा रहा, ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सब जोर से हंसने लगे और अपने खिलौनों के साथ खेलने में लीन हो गए। इतने में कुछ बंदर आए और उनके रखे हुए भोजन को लेकर चले गए। जब रोहन ने देखा कि खाना गायब है तो वो लोकू के पास आया। क्यों रे, हमारा खाना सब तुमने गायब कर दिया, गेंद ले जाने के बहाने हमारे खाने के पास काफी देर तक तुम खड़े रहे, मैंने देखा था, चुपचाप बता दो कि हमारा भोजन कहाँ है, कहकर उसने लोकू का गिरेबान पकड़ा। तभी गोपाल वहाँ आया। रुको रुको, यहाँ आकर भी तुम लड़ रहे हो, एक बार जरा उस पेड़ के ऊपर तो देखो। वहाँ उन्हें बंदर पिज्जा और बर्गर खाते दिखाई दिए। रोहन कुछ कर नहीं पाया और गुस्से में चला गया। काजल ने चूल्हा जलाया और एक बड़े कढ़ाई को उसके ऊपर रखा। जो बच्चे अलग अलग दिशाओं में गए थे सब जंगल से मुर्गियां पकड़ कर ले आए। काजल ने उन मुर्गियों का कढ़ाई में चिकन करी बनाने लगी। गरीब बच्चे लाइन में बैठ गए और अपने घरों से लाए हुए रोटी और चावल को सामने रखा। चिकन करी की महक से सबके मुंह में पानी आने लगा। उसकी महक से रोहन और उसके दोस्तों के मुंह में भी पानी आने लगा। एक ओर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पेट में चूहे कूद रहे थे, उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें और बड़े चाव से उस कढ़ाई की ओर देखने लगे। काजल ने सबके सामने पत्ते रखे और उसमें चिकन करी परोसने लगी। सब ने रोटी और राइस के साथ चिकन करी खाना शुरू किया। रोहन तुम लोग भी आओ, यह सबके लिए काफी है। रोहन सोच रहा था। रोहन के दोस्त बाकी बच्चों के साथ आकर बैठ गए। रोहन के बैठने से पहले गोपाल, पहले तुम लोकू से माफी मांगो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। लोकू सॉरी, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा गिरेबान पकड़ा। सब ने मिलकर भोजन किया। अगले दिन सब स्कूल गए। पिकनिक में तुमने हम सबको भोजन कराया, वो सबके लिए धन्यवाद, अगर तुम्हारी जगह हम होते तो तुम लोगों को भूखा देखकर काफी खुश होते।
हम कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि भूखा रहना क्या होता है। फ्रेंड्स कहकर उसने हाथ बढ़ाया। रोहन ने भी फ्रेंड्स कहकर हाथ बढ़ाया। उस दिन से सब बच्चे मिलजुल कर रहने लगे। उन बच्चों में आए इस बदलाव को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। गरीब वर्सेस अमीर जेल फूड। मदरा नगर नाम के गांव में एक सेंट्रल जेल था। एक दिन वहां तिवारी नाम का एक चोर आया। फिर तिवारी को देखकर जेलर, क्या रे तिवारी, इस बार ज्यादा दिन के लिए आ पड़े हो, फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? कितने बार कहना है कि चोरी करना बंद करो? क्या सर वैसे कहते हो, हम चोर नहीं होंगे तो आपका नौकरी नहीं होगा, थोड़ा देखकर छोड़ देना है सर। अरे तुम तो नहीं बदल सकते हो, पहले इधर से चले जाओ भाई, जाओ। जेल में घूमते हुए उधर कुछ लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया। फिर एक दिन खाना खाते समय बाजू वाला सेंट्री से तिवारी, अरे भैया ये क्या खाना है, एक दिन खाया तो एक महीने के लिए भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा है तो बार बार हम कैसे आएंगे बोलो। ओए तुम क्या नए दामाद हो कि तुम्हारा आधार करना पड़ेगा या फिर हजारों करोड़ उधार करके चूना लगाए हो? देखो इधर इज्जत चाहिए तो पैसा होना चाहिए रे पैसा। अगर पैसा है तो ऑटोमेटिक से अंडरग्राउंड में चले जाओगे, अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ फुल फैसिलिटीज मिलेंगे, तुम्हें जो चाहिए जो मांगोगे वो सब अपने आप आ जाएंगे। अगली बार वैसे कुछ प्लान करो, नहीं तो मुंह बंद करके बैठो। क्या भैया, मुझे मालूम किए बिना पैसे वालों के लिए अंडरग्राउंड में एक और सेक्शन रन हो रहा है। भैया कुछ ना कुछ करके मुझे वहाँ भेज दो भैया, आपको पुण्य मिलेगा, आराम से बिरयानी बर्गर पिज्जा कुछ ना कुछ खाऊंगा भैया। अरे ओए ऐसे मामलों में मुझे इन्वॉल्व मत करो भाई, मेरा नौकरी चला जाएगा, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन से तिवारी अंडरग्राउंड का रास्ता कहां है कहकर उधर ढूंढने लगा। एक दिन एक सेंट्री रिच फूड लेकर एक तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तब तिवारी ने उसका पीछा किया। वह सेंट्री अंडरग्राउंड वाला टनल में जाकर वहां के रिच कैदियों को खाना दिया। तिवारी भी उसके पीछे ही जा रहा था। तभी तिवारी उनके पास जाकर, राजा दी राजा ओ स्कैम राजा, पंडो रे पंडो ओ हवाला पंडो, भाइयों जय हो, आपको जय हो। अरे ओए एड़ा कहीं का, यहाँ कैसे आ गया रे, मर्यादा से ऊपर जाओ नहीं तो तुम्हारा चमड़ी उतर दूंगा। तब स्कैम राजा से तिवारी, स्कैम राजा भैया ओ हवाला पंडो भैया, आप ही कुछ बोलिए भैया, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ भैया, अखबारों में आपके लिए एक दिन भी पढ़ना नहीं छोड़ता हूँ मालूम है, प्लीज भैया मुझे भी इधर ही रहने देने के लिए कहिए भैया, आपका चौड़ा हुआ बिरयानी पिज्जा या बर्गर कुछ ना कुछ खाकर जी लूंगा भैया, आपको जो चाहिए वो लाऊंगा, आपका सेवा करूंगा भैया। अरे ओ सेंट्री ये कौन है, अच्छा कॉमेडी आदमी जैसा है, इसे इधर ही रहने दो, वही सब कुछ तो है मगर एंटरटेनमेंट मिस हो रहा है कहकर सोच रहा था, इसे रहने दो, मैं तुरंत जेलर से बात करता हूँ, तुम जाओ। तब सेंट्री वहां से चला गया। उसके बाद तिवारी ने स्कैम राजा और हवाला पंडू को जो चाहिए था वो सब कुछ लाकर देता था और उनके बहुत करीब हो गया। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। एक दिन जेलर अंडरग्राउंड में रहने वाला स्कैम राजा के पास आया। क्या रे जेलर, मटन बिरयानी भेजने के लिए कहा तो बकवास खाना क्यों भेजा, क्यों ऐसे, आजकल मर्यादा बहुत कम हो रहा है, उसके ऊपर मेरा फैन तिवारी को भी यहाँ से भेज दिया, क्या ज्यादा दिन यहाँ रहने के लिए मन नहीं हो रहा है क्या तुमको?
क्या रे, तिवारी तुम्हारा फैन है? तुम्हारा मुंह रे, वो मेरा फैन है। आपके पास से डिटेल्स निकलवाने के लिए मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है तिवारी को। तुम किसी को भी पास आने नहीं देते थे, ऐसे ही तुम्हारा फैन कहकर उसे मैंने ही एंकरेज किया। देख लो, उसका टैलेंट ऐसा है कि वो मामूली बात नहीं है। और एक बात, वो सोने के टाइम पर उसके पास ही तुम दोनों ने तुम्हारी बिनामी संपत्ति और पैसे कहाँ कहाँ छुपाए हैं ये सब बात किया। अब वो सब उसके इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस ने रेड कर लिया, पूरा पकड़ लिया, कोर्ट में सब कुछ दे दिया है रे। नेक्स्ट ईयर आपको सजा कन्फर्म है। तब हवाला पांडू, अरे वो जेलर, मुझे धोखा दोगे? बाहर आने के बाद मैं क्या करता हूँ देखो। कुछ भी नहीं कर पाओगे रे, अभी तो सो जाइए, कल आपके बारे में जज साहब देख लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग जेल वापस आओगे ना, तब देखूंगा मैं आप लोगों को, कहकर वहां से चला गया। फिर उसके बाद उसके रूम में तिवारी को बुलाकर जेलर ने उसे बहुत तारीफ करके उसे रिलीज कर दिया।